हेलो दोस्तों, मैं कुणाल आर टी स्टूडियो में कर रहा हूँ कैमरा कंपैरिजन वन प्लस सिक्स वर्सेज रेडमी नोट 5 प्रो का। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, बट आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करे कि आपको इन दोनों फोन्स के बीच में कैमरा कंपैरिजन देखना है। और मुझे पता है आपको वन प्लस सिक्स का कैमरा कंपैरिजन सैमसंग S9 प्लस के साथ भी देखना है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत जल्द मैं वो वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। OnePlus 6 से आप नॉर्मल स्लो मोशन वीडियोस तो रिकॉर्ड कर ही सकते हो 1080p 120fps और 240fps पे, लेकिन इस फोन में हमें सुपर स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है 720p 480fps पे। Redmi Note 5 Pro से आप सुपर स्लोमो वीडियोस तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते, बट नॉर्मल आप स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो 720p 120fps पे। और मैं ज़्यादा कंप्लेंट भी नहीं करूँगा, बिकॉज ये 15,000 रुपये का फ़ोन है और इस प्राइस सेगमेंट के काफ़ी फ़ोन्स हैं जो स्लो मोशन वीडियोस सपोर्ट ही नहीं करते। लेकिन अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो मुझे पर्सनली OnePlus 6 की सुपर स्लो मोशन वीडियो बेटर लगी है। ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं डेलाइट कंडीशंस में 1080p 30fps पे। OnePlus 6 में 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है विद f2.0 एपर्चर और Redmi Note 5 Pro में 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है विद f2.2 एपर्चर। दोनों फोन्स में गायरोस्कोप बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, तो अब मैं आपको एक बार भाग के दिखाता हूँ। और जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो मेरे को OnePlus 6 की बेटर लगी है। एक रिक्वेस्ट है और मेरी आपसे कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और दोनों फोन्स के बेस्ट बाय लिंक भी दे रहा हूँ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उन लिंक से परचेज करोगे तो चैनल को थोड़ी हेल्प होगी। अब चलते हैं लोलाइट कंडीशन में और देखते हैं वीडियो क्वालिटी कैसी आती है। सो लाइट्स ऑफ। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करो लोलाइट कंडीशन में और कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी मिल जाएगी आपको। Redmi Note 5 Pro में डेडिकेटेड फ्लैश मिल जाती है फ्रंट में, जो OnePlus 6 में हमें नहीं मिलती, तो अब ऑन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो फ्लैश ऑन करने के बाद वीडियो क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सेल्फीज जो मैंने कैप्चर करी है डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में। ये सेल्फीज मैंने कैप्चर करी है डेलाइट कंडीशंस में ब्यूटी मोड ऑफ करके। फोरग्राउंड में मेरे फेस पे जो डिटेल्स हैं वो स्लाइटली बेटर है OnePlus 6 में। जो स्किन टोन्स हैं वो दोनों ही इमेजेस में ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और काफ़ी नेचुरल हैं, बट बैकग्राउंड में जो डायनामिक रेंज है वो दोनों ही फोन्स की काफ़ी एवरेज है। OnePlus 6 के फ्रंट कैमरा से आप पोर्ट्रेट सेल्फीज कैप्चर नहीं कर सकते, बट OnePlus ने ये कंफर्म करा है कि फ्यूचर में एक सॉफ्टवेयर अपडेट देके वो पोर्ट्रेट मोड को इनेबल कर देंगे। Redmi Note 5 Pro के पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ तो सेल्फी से मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ, बिकॉज जो एजेस है वो ये प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेता है और बैकग्राउंड में इंटेंस ब्लर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो सेल्फीज है वो काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है। इनफैक्ट ग्रुप सेल्फीज लेते टाइम भी इसका पोर्ट्रेट मोड प्रॉपरली वर्क करता है, जो एजेस हैं वो प्रॉपरली डिटेक्ट करी हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों पे फोकस लॉक किया है और बैकग्राउंड में इंटेंस ब्लर देखने को मिला है। अब ये सेल्फीज मैंने कैप्चर करी है लोलाइट कंडीशंस में। आप नोटिस करोगे दोनों ही इमेजेस में जो डिटेल्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट Redmi Note 5 Pro को मैं यहाँ पे पिक करूंगा बिकॉज ये लाइट ज़्यादा गैदर कर पा रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल इमेज स्लाइटली बेटर लगती है। Note 5 Pro में डेडिकेटेड फ्लैश मिलती है फ्रंट में और OnePlus 6 में डिस्प्ले फ्लैश मिलती है, बट सरप्राइजिंगली OnePlus 6 के यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर हैं, जो डिटेल्स हैं वो बेटर आई हैं OnePlus 6 की इमेज में और जो कलर्स हैं वो भी वेल बैलेंस्ड लगते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं डेलाइट कंडीशंस में। कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए 1080p 30fps पे शूट कर रहा हूँ। OnePlus 6 1080p 60fps पे भी शूट करता है वीडियोस और 4K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो आप। आप देख सकते हो दोनों ही वीडियोस में जो कलर कंट्रास्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। OnePlus 6 ऑलमोस्ट एक्यूरेट कलर्स रिप्रोड्यूस करता है और Redmi Note 5 Pro में जो कलर्स है वो बिल्कुल वॉश्ड आउट है। मुझे पर्सनली इसका कलर कंट्रास्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया है। अब एक बार फोकस चेक करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं फोन्स फोकस लॉक करने में, बट प्रॉपरली फोकस लॉक कर पा रहे हैं।
Redmi Note 5 Pro में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है और OnePlus 6 में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है। लेकिन ये वीडियो में शूट करूँ 1080p 30fps पे, आपको ये बात शायद नहीं पता होगी कि 1080p 30fps पे और 4K 30fps पे EIS वर्क करती है और 1080p 60fps पे और 4K 60fps पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वर्क करती है। तो इस टाइम पे जो आप वीडियो देख रहे हो इसमें EIS वर्क कर रही है OnePlus 6 में। ये कुछ मैक्रो शॉट्स कैप्चर करे हैं मैंने डेलाइट कंडीशंस में। अगर बैकग्राउंड में आप देखोगे तो दोनों ही इमेजेस में नेचुरल ब्लर देखने को मिलता है, बट Redmi Note 5 Pro में बैकग्राउंड में जो कलर्स हैं वो थोड़े ब्लोन आउट हो गए हैं, बट फोरग्राउंड में फ्लावर पे जो डिटेल्स हैं वो स्लाइटली बेटर है Redmi Note 5 Pro की इमेज में, और ओवरऑल जो मैक्रो शॉट्स हैं वो Redmi Note 5 Pro के मुझे शार्प लगे हैं। ये इमेज मैंने कैप्चर करी है दोनों फोन्स की डायनामिक रेंज चेक करने के लिए। इस इमेज में आप नोटिस करोगे जो ब्राइट एरियाज हैं उसमें दोनों ही इमेजेस में इनफ डिटेल्स हैं, लेकिन OnePlus 6 ने जो डार्क एरियाज हैं उनको काफ़ी लाइट अप कर दिया है, और आप यहाँ पे देख सकते हो जो डिटेल्स हैं वो भी OnePlus 6 में मच बेटर हैं। इस सैम्पल शॉट में आप क्लियरली देख सकते हो Redmi Note 5 Pro की इमेज में जो कलर्स हैं वो थोड़े डल लगते हैं, थोड़े म्यूटेड लगते हैं, और इसके कंपैरिजन में OnePlus 6 के जो कलर्स हैं वो नेचुरल लगते हैं। ओवरऑल जो डिटेल्स हैं वो भी OnePlus 6 की इमेज में बेटर हैं। इस सैम्पल शॉट में दोनों ही फ़ोन से ली गई इमेजेस में इनफ डिटेल्स हैं, इवन जो कलर कंट्रास्ट है वो भी काफ़ी सिमिलर है। मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ Redmi Note 5 Pro 15,000 रुपीज़ का फ़ोन है और ये काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन दे रहा है OnePlus 6 को। दोनों फ़ोन के रियर कैमरा से आप पोर्ट्रेट शॉट्स भी कैप्चर कर सकते हो। आप नोटिस करोगे जो एज डिटेक्शन है वो दोनों ही फ़ोन्स की ऑलमोस्ट परफेक्टली वर्क करती है, लेकिन OnePlus 6 मेन सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से बेटर डिफरेंशिएट कर पाता है, और जो कलर कंट्रास्ट है वो अगेन मेरे को OnePlus 6 की इमेज में बेटर लगा है। Redmi Note 5 Pro में कलर्स थोड़े से म्यूटेड लगते हैं, तो अगर किसी एक फ़ोन को पिक करना हो तो मेरे को OnePlus 6 का पोर्ट्रेट मोड बेटर लगा है। ये इमेजेस मैंने कैप्चर करी है इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में, और आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशंस में OnePlus 6 की इमेज में बेटर डिटेल्स देखने को मिलती हैं। जो नॉइस लेवल्स हैं वो भी काफ़ी कम है अगर मैं कंपेयर करूँ Redmi Note 5 Pro से। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लो लाइट कंडीशंस में 1080p 30fps पर। OnePlus 6 से आप 4K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बट Redmi Note 5 Pro में अभी आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैं फोकस चेक कर रहा हूँ और आप जैसे कि देख सकते हो थोड़ा सा पहले फोकस लॉक कर रहा है OnePlus 6 अगर मैं कंपेयर करूँ 5 Pro से, और Redmi Note 5 Pro में थोड़ी नॉइस भी देखने को मिल रही है मेरे को वीडियो में। तो लो लाइट में वीडियो क्वालिटी OnePlus 6 की बेटर है। फाइनली ये इमेजेस मैंने कैप्चर करी है लो लाइट कंडीशंस में, और यहाँ पे OnePlus 6 क्लियर विनर है। OnePlus 6 में f1.7 एपर्चर मिलता है जिसकी वजह से ये लाइट ज़्यादा गैदर कर पाता है, और Redmi Note 5 Pro में जो प्राइमरी सेंसर है उसका एपर्चर f2.2 है। OnePlus 6 में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलती है जो कि हेल्प करती है इमेज को इन्हेंस करने में, जो कि Redmi Note 5 Pro में नहीं मिलती। और Redmi Note 5 Pro की इमेजेस में आप देख सकते हो काफ़ी नॉइस देखने को मिलती है और जो डिटेल्स हैं वो भी काफ़ी कम हैं। फ्लैश ऑन करने के बाद दोनों ही फ़ोन से ली गई इमेजेस में नॉइस लेवल्स काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं, कलर्स वेल बैलेंस लगते हैं, और जो डिटेल्स हैं वो भी काफ़ी इंप्रूव हो जाती हैं। Redmi Note 5 Pro के प्राइस को कंसिडर करते हुए लो लाइट कंडीशंस में आप फ्लैश ऑन करके काफ़ी इंप्रेसिव पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हो। इस सैम्पल शॉट में थोड़ी सी नॉइस देखने को मिलती है Redmi Note 5 Pro की इमेज में, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो दोनों ही इमेजेस में इनफ है। सारे वीडियो सैंपल्स और कैमरा सैंपल्स देखने के बाद अब आते हैं कंक्लूजन पे।
15,000 रुपीस प्राइस है नोट 5 प्रो का और 35,000 रुपीस प्राइस है वन प्लस 6 का। मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनको ध्यान में रखना कि क्यों आपको 35,000 रुपीस स्पेंड करने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं तो ही आप वन प्लस 6 लेने का सोचना, अदरवाइज रेडमी नोट 5 प्रो से भी आप डेलाइट कंडीशंस में बहुत अच्छी इमेजेस कैप्चर कर सकते हो और लोलाइट कंडीशंस में फ्लैश ऑन करके आप अमेजिंग इमेजेस कैप्चर कर सकते हो। हालांकि फ्लैश जब ऑन आप नहीं करते तो लोलाइट कंडीशंस में काफ़ी स्ट्रगल करता है रेडमी नोट 5 प्रो। वन प्लस 6, अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड करते हो ज़्यादा तो 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो आप इससे, 1080p 60fps पे भी वीडियो शूट कर सकते हो, डे लाइट हो या लो लाइट हो आप अमेजिंग वीडियोस शूट कर सकते हो वन प्लस 6 से। स्लो मोशन वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो आप 720p 480fps पे और 1080p पे भी शूट कर सकते हो 240fps पे। ये फीचर्स Redmi Note 5 Pro में मिसिंग है। आप नॉर्मली स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो Redmi Note 5 Pro से, बट अगेन जो कलर्स थे वो सारे ब्लोन आउट हो जाते हैं वीडियो में, तो ओवरऑल वीडियो क्वालिटी इतनी मुझे पसंद नहीं आई है। पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ तो रेयर कैमरा का जो पोर्ट्रेट मोड है वो दोनों ही फोन्स का अमेजिंग है। थोड़ा बहुत कभी कभी जो एजेस है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम परफेक्टली वर्क ही करते हैं। फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड नहीं मिलता वन प्लस 6 में, बट बहुत ही जल्द वन प्लस ने कंफर्म करा है कि वो इसको अनेबल कर देंगे। और Redmi Note 5 Pro में जो फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड मिलता है वो काफ़ी अच्छा है, आप काफ़ी अच्छे इमेजेस कैप्चर कर सकते हो, जो एज डिटेक्शन है वो भी ऑलमोस्ट परफेक्टली ही वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।